आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चुनावी रैली को संबोधित करने पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। जनसभा में पीएम का हजारों लोगों ने हाथ उठाकर अभिवादन किया, तो साथ ही जनसभा का आयोजन मेला ग्राउंड में किया गया था। जनसभा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे। मंच से बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ग्वालियर की भूमि तप तपस्या और ज्ञान की धरती है, यहाँ महापुरुषों का पुण्य स्मरण करना बहुत आवश्यक है। इस मौके पर पीएम ने पार्टी की नीतियों को जनता के बीच रखा, तो वहीं नौजवानों के लिए रोजगार के प्रयासों को गिनाया। साथ ही शिवराज सरकार के कामों को सराहा और जनता से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। मुझे खुशी है अकेले मध्य प्रदेश में 1 करोड़ ऐसे लोगों ने बैंक से लोन लेकर के 10,000 रुपए से 50 लाख रुपए तक की पूंजी लेकर अपने पैरों पर खड़े हुए। अकेले मध्य प्रदेश में 1 करोड़ भाई बहनों, आज मेरे देश का नौजवान रोजगार के लिए घर घर खड़ा बनने का रहा है, वो अपने पैरों पर खड़े होकर के 2-4-5 लोगों को रोजगार देने का इरादा रखता है और मुद्रा योजना के तहत हमने ये काम करके दिखाया। रामपुर में सपा नेता आजम खान ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है, तो वहीं मीडिया के सामने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जय कह डाली। आजम खान के मुताबिक भाजपा ने जल निगम में नौकरी करने वाले बच्चे और बच्चियों को नौकरी से निकाल दिया था, जिस पर नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका खारिज कर दी गई, जिस पर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट की जय बोला, तो वहीं डेमोक्रेसी में सरकार पर जुल्म के आरोप लगाए। माननीय हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया, इनको इंसाफ दिया और कहा कि इन्हें ज्वाइन कराइए। वो ज्वाइनिंग नहीं हुई, फिर कंटेम्प्ट किया बच्चों ने, वो कंटेम्प्ट अलाउ हो गया, फिर इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। हम सुप्रीम कोर्ट की जय कहना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में जब सरकारें जुल्म बरता और सरकारें जनता के से वोट लेने के बाद उनके साथ धोखा करने लगे, तो सरकार और आसमान वाले के बीच में एक और ताकत है और वो है न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और बहुत से मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित किया है कि उसने देश के कानून और डेमोक्रेसी को बचाया है, लोगों को उनके हक दिलाए हैं। रामपुर में सपा नेता आजम खान ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए खुद के कराए विकास पर कहा कि जो भी कार्य कराए गए वो विधानसभा में पास करवा कर कराए गए थे और सरकारी धन से हुए थे, वहीं इन कामों की जांच भी कराई गई थी। अब ऐसे में भाजपा कौन सा विकास चाहती है? हर हर विकास के काम पर हमारी उंगली उठी और वो काम जो कि सरकारी आदेशों से हुए थे, सरकारी धन से हुए थे और सरकारी आदेश भी किसी मंत्री के लेवल का नहीं बल्कि सभी या तो कैबिनेट से पास थे या विधानसभा से पास थे, जो काम कानून बनाकर हुए थे उन कामों के बारे में भी बहुत सी जांचें हुई और एक एक जांच 3-3, 4-4 बार हुई, लेकिन 2 और 2 4 ही होते हैं। अगर उन्हें 2 और 2 5 या 2 और 2 3 न किया जाए, अधिकारियों ने भी यहाँ वही कहा वही लिखा जो सच था। नोएडा के सेक्टर 16 रजनीगंधा अंडरपास में बच्चों को स्कूल लेकर जा रही बस खंभे से टकरा गई, जिसमें ड्राइवर समेत आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए, तो ये बस निजी स्कूल की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं हादसे में घायल चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, तो घायल बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस की टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया। वहीं घायल बदमाश को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर तलाश की जा रही है। घायल बदमाशों से पुलिस ने अवैध हथियार के साथ साथ मोटरसाइकिल भी बरामद की, साथ ही पकड़े गए बदमाशों का पुलिस इतिहास खंगाल रही है। एक बदमाश को गोली लगी है जिसका नाम बिनानी स्वरूप कालीचरण,
आरओ बसी थाना नरसेना जिला बुलंदशहर है। मौके पर एक मोटरसाइकिल मिली है और एक तमंचा तथा मौके पर कुछ कारतूस भी मिले हैं। सर क्राइम हिस्ट्री की बात की जाए इस बदमाश की तो क्या है? ये बदमाश भरतपुर जिला स्टेट राजस्थान से स्थायी वारंटी है और इसके क्राइम बताए जा रहे हैं। अभी विस्तृत इसका क्राइम हिस्ट्री जो है ज्ञात कर ली जाएगी। लखनऊ के नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के 3 दिवसीय अधिवेशन के दूसरे दिन पहुंचे रेल मंत्री पीयूष गोयल की यूनियन नेता पर की गई टिप्पणी से हंगामा मच गया, जिसमें मंत्री के साथ अभद्रता पर आमादा कर्मचारी मंच पर बढ़े तो वहीं मंच का घेराव कर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर सुरक्षा कर्मी जब उन्हें बाहर ले जा रहे थे तो उन्हें निशाना बनाते हुए एक गमला भी फेंका गया, जिसमें मंत्री बाल बाल बचे। मुरादाबाद में T18 ट्रेन का ट्रायल होना है, जिसके चलते ये ट्रेन अब यहां आमद दर्ज करा चुकी है। तकनीकी परीक्षण के बाद ट्रेन को ट्रैक पर उतारा जाएगा। DRM अजय कुमार सिंघल ने बताया कि ट्रायल की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो T18 देश की अत्याधुनिक ट्रेन में शुमार है, जिसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। इसमें यात्रियों की सहूलियत के लिए वाईफाई मनोरंजन के साधन के साथ इसकी सीट 360 डिग्री पर घूम सकेगी। दरवाजे ऑटोमेटिक हैं, जो ट्रेन चलने और रुकने पर बंद और खुलेंगे। अंदर और बाहर CCTV भी लगे हैं। इसमें ट्रायल के लिए बरेली रामपुर मुरादाबाद सहारनपुर सेक्शन को डिसाइड किया गया है। उसमें RDSO की टीम हमारे पास कल आ चुकी है और आज उनका उसमें कार्य चल रहा है और कल तक उसमें RDSO की टीम काम करेगी। परसों से इसके ट्रायल करने का हमें मांगा गया है, उसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है। इसमें 3-phase टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है और ऑटोमेटिक डोर्स हैं, सीट्स एक ही डायरेक्शन में करने की सुविधा है, पैसेंजर एमिनिटीज़ को और इम्प्रूव किया गया है, स्पीड इस ट्रेन की ज़्यादा है और जितनी भी जैसे एंटरटेनमेंट का है वो सब चीज़ें भी इसमें दी गई हैं। मुरादाबाद में 52 वर्षीय शिक्षक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताते हैं कि प्राइमरी का शिक्षक 15 दिन पहले अपने घर से लापता हो गया था, जिसका ठाकुरद्वारा के एक बाग में शव मिला है। वहीं परिजनों के मुताबिक बीते काफी समय से वो डिप्रेशन के शिकार थे, तो पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। फरखाबाद के मनीष वर्मा ने एशियन मार्शल आर्ट्स गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। मनीष को मार्शल आर्ट की 2 विधाओं कराटे और ताइक्वांडो में महारत हासिल है। मनीष की एक मुकाबला जीतने के बाद ही फाइनल की राह खुल गई थी। इससे पहले वो मई में हुई नेशनल चैंपियनशिप में भी मेडल जीतने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा 2014 में कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में हुई स्टेट चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। चंदौली में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान धार्मिक जुलूस में हाथी बेकाबू हो गया, तो इस हादसे में एक अधेड़ को हाथी ने सूंड से पटक कर पैर से कुचल दिया। हाथी के बेकाबू होने से जुलूस में भगदड़ मच गई, तो कई लोग घायल भी हो गए, जिनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल हो चुके अधेड़ की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, तो वहीं कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर जिला जेल में बंद कैदी की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर घंटों जाम भी लगाया। तुलसीपुर खरी का निवासी लल्ला शुक्ला की मौत एक दिन पहले जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी, तो वहीं परिजनों के अनुसार मृतक सीमेंट की दुकान पर मजदूर था और सीमेंट दुकान मालिक ने चोरी के आरोप में युवक को पीटने के बाद जेल भिजवा दिया था, जहां अब युवक की जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि कड़ी मशक्कत के बाद इल्जाम को खुलवाया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बलरामपुर में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में होने वाले 25 नवंबर की धर्मसभा की जोरदार तैयारी करते हुए त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 1000 युवकों को बजरंग दल की नई सदस्यता दिलाते हुए मेज पर भगवान श्री राम और भारत माता की फोटो के सामने रखे छोटे छोटे त्रिशूल बांटे गए।
आगरा के शमशाबाद में लकड़ी की डाल में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। तो वहीं आगजनी से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों का माल जल गया। मौके पर पहुंची दमकल ने 4 घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। मथुरा की गोविंद नगर सब्जी मंडी में आग से दर्जन भर दुकानें जलकर खाक हो गईं, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। तो साथ ही इस घटना से लाखों का माल जल गया, जिससे सब्जी व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लगा है, लेकिन पुलिस पड़ताल कर रही है। शराब के नशे में धुत युवकों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें इन लोगों पर महिला से पर्स छीनने के आरोप भी लगे हैं। तो साथ ही सिपाहियों ने इन युवकों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया और इनको थप्पड़ भी रसीद किए। वही मामला सदर बाजार के हिम्मत नगर का है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।